वीडियो देख रहे सारे भैन भरावां नूं प्यार भरी सत श्री अकाल जी। पेश करदे आ पंजाबी खबरां 26 फरवरी दीआं। मेन खबरां दी गल करदे आ ते स्मार्ट कार्ड राशन मुफ्त कणक ते वड्डी खबर आई है, इस दे बारे वी आपां इसे वीडियो विच जाणांगे। 300 यूनिट मुफ्त बिजली होवेगी बंद, इस दे वी संकेत मिल रहे ने। हुण गल करदे आ विस्तार दे नाल। वीडियो च अगे वधण तों पहलां नवें आए भैन भरावां नूं बेनती है कि चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लेना ते नाल लगदे बैल आइकन दे बटन दबा के ऑल ते जरूर प्रेस कर लेना तां जो आउण वाली हरेक वीडियो तुहाडे तक पहुँचदी रहे। सो दोस्तों हुण गल करदे आ मेन अपडेट की। मुख्यमंत्री ने फाजिलका विखे 778.28 करोड़ रुपए की लागत नाल नहरी पानी आधारित प्रोजैक्ट का रख्या नींह पत्थर। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हर घर तक पीण वाला साफ पानी यकीनी बनाउण दे मंतव दे नाल अज 578.28 करोड़ रुपए की लागत दे नाल पानी की सफाई भंडारण अते सप्लाई नूं यकीनी बनाउण दे लई अपनी किस्म दे पहले प्रोजैक्ट का रस्मी तौर पर नींह पत्थर रख्या है। डीजीपी पंजाब वालों फील्ड अफसरां नूं कानून तोड़न वालियां खिलाफ़ सख्ती नाल पेश आउण दे निर्देश। मुख्यमंत्री भगवंत मान की सोच अनुसार पंजाब नूं गैंगस्टरां ते नशिया तो मुक्त करवाउण लई डायरैक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब गौरव यादव ने अज वीडियो कॉन्फ्रेंस राही सूबा पद्धरी समीख्या मीटिंग की प्रवानगी करदिआं समूह अधिकारियों नूं पेशेवराना ढंग दे नाल काम करन अते कानून व्यवस्था बनाई रखने दे लई कानून तोड़न वालियां विरुद्ध सख्त कार्रवाई करन दे निर्देश दित्ते हन। 10वीं अते 12वीं दीआं प्रीख्यावां लई इस बार नवा नियम किया लागू। हरियाणा स्कूल सिक्ख्या बोर्ड ने 27 फरवरी तो शुरू होने वाले 10वीं अते 12वीं दीआं प्रीख्यावां लई एक नवा नियम लागू किया है। इस मुताबिक CBSE दी बोर्ड दे तर्ज ते पेपर देण गए उम्मीदवारां नूं स्कूली ड्रैस विच ही आना पवेगा। बिना स्कूल ड्रैस वाले बच्चों नूं प्रीख्या केंद्रां दे विच दाखल नहीं होण दित्ता जाएगा। इस दे नाल ही सरकारी सहूलतों तो इलावा प्राइवेट स्कूलों दे विच भी प्रीख्या केंद्र बनाए जाणगे। राज भर दे विच 1476 प्रीख्या केंद्र बनाए गए हन। बोर्ड ने धोखाधड़ी तो मुक्त प्रीख्यावां करवाउण दे लई भी तैयारियां कर लईआं हन। प्रीख्यार्थियों ते नज़र रखने लई CCTV कैमरे की मदद ली जाएगी। इस दे नाल ही सूबे भर दे विच 302 फ्लाइंग स्क्वाड टीमों का गठन किया गया है। बोर्ड प्रीख्या विच नकल दीआं घटनावां नूं रोकण लई यतनशील है। सरकारी मुलाजमां लई वड्डी खबर, महंगाई भत्ते च 6% वाधे का ऐलान। सूबा सरकार ने सरकारी मुलाजमान नूं वड्डी खुशखबरी दित्ती है। सरकार ने मुलाजमान लई 6% महंगाई भत्ते अते पेंशनर लई 6% महंगाई राहत वधाउण दा ऐलान किया है। इस भत्ते दे नाल ही सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिता है। यह भत्ता पेंशनर अते मुलाजमान नूं महंगाई तो राहत देण लई दित्ता जांदा है। अजनाला हिंसा च हाले तक FIR दर्ज क्यों नहीं हुई, CM भगवंत मान ने इंज दिता इस सवाल का जवाब। हुण पंजाब दे अजनाला च हुई हिंसा नूं लैके मुख्यमंत्री भगवंत मान का बयान भी सामने आया है। जदों मीडिया ने CM मान नूं पुछा था कि अजनाला हिंसा संबंधी FIR दर्ज क्यों नहीं की गई, तो उन्होंने कहा कि पंजाब दे विच अमन कानून बिल्कुल ठीक है, पंजाब पुलिस अमन कानून बनाए रखने लई समर्थ है। पंजाब विच सारे इकट्ठे रहिंदे हन। इस दे उल्ट CM ने मीडिया नूं कहा है कि तुहाडे कोल पंजाब बारे गलत जानकारी है। अजनाला हिंसा नूं लैके पंजाब च सियासी खलबली मच गई है। कानून व्यवस्था नूं लैके आम आदमी पार्टी की सरकार घिरी नज़र आ रही है। विरोधी पार्टियां मुख्यमंत्री भगवंत मान ते सवाल चुक रही हैं। भाजपा ने अजनाला हिंसा नूं गुंडागर्दी करार दिता है। भाजपा का दोष है कि वारस पंजाब के मुखी अमृतपाल सिंह ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब नूं ढाल वजो वरत के बेअदबी की है। भाजपा ने पालकी साहब नूं थाने च लिजाण ते सवाल खड़े किए हैं। पंजाब सरकार ते भी यही दोष लाए गए हैं कि सरकार अमन कानून बनाए रखने नाकाम साबित हुई है। अमृतपाल सिंह नूं लैके CM मान का पहला वड्डा बयान आया सामने। अमृतपाल सिंह नूं लैके CM भगवंत मान का पहला वड्डा बयान सामने आया है। इस संबंधी CM मान ने ट्वीट किया है कि ये लोग वारिस कलाउण दे काबिल नहीं हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं ढाल बना के थाने लिजाया गया, वह वारस कहाउण दा हकदार नहीं है, वह पंजाब अते पंजाबीयत दा वारस नहीं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब नूं थाने लिजाणा अति निंदक योग है। शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं ढाल बना के थाने तक लैके जाण वाले किसी भी पक्ष तों पंजाब अते पंजाबीयत दे वारस खवाउण दे काबिल नहीं हो सकते।
खास गल यह है कि गुरु ग्रंथ साहिब नूं थाने लिजा के गुरु की बेअदबी की गई है। इस मामले नूं वख-वख धार्मिक आगू अते अकाली दल वलों निंदकयोग करार दिता गया है। लुधियाना रेलवे स्टेशन के अफसरां दे नां ते जारी तत्काल टिकटां करदे सी ब्लैक, CBI ने 3 फड़े। उत्तरी रेलवे के फिरोजपुर डिवीजन की CBI टीम ने लुधियाना रेलवे स्टेशन से 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है जो तत्काल टिकटां की ब्लैक करते सन। फड़े गए मुलाजमान दे विचों 2 रेलवे मुलाजम अते 1 दुकानदार शामिल है। दसा जा रहा कि दुकानदार की सैटिंग रेलवे कर्मचारियों के नाल सी जो उसनू तत्काल टिकटां लियांदे सन। फड़े गए रेलवे मुलाजमान की पछाण प्रकाश कुमार यादव वासी रेलवे कलोनी अते मुकेश वजों हुई है। तीजा मुलजम जसपाल सिंह है जो कि दुकानदार है। CBI टीम नू पहला ही गुप्त सूचना सी कि दोवें रेलवे मुलाजम टिकटां ब्लैक करन दा नाजायज़ काम कर रहे हैं। दसा जा रहा है कि दोवें रेलवे कर्मचारी तत्काल टिकटां लैण लई सवेरे सवेरे रिजर्वेशन सेंटर पहुँच जाते सन। हर रोज़ वो एक एक करके टिकटां कढ़वाउण लई जाते सी। हर बार किसी अफसर का नाम लिया जाता सी कि साहिब दे रिश्तेदारां दीआं टिकटां सन। दसा जा रहा है कि प्रति टिकट 500 रुपये वाधू वसूलते सन। दुकानदारों तो टिकटां प्राप्त कीतियां गईयां सन जिसकी कीमत 840 अते 2410 रुपये है। मुलजमान नूं हुण गिरफ्तारी तो बाद अदालत विच पेश कीता जाएगा। पंजाब च मुफ्त बिजली योजना के मंडराए खतरे के बदल, उपभोक्ता नूं लग सकता है वड्डा झटका। सूबे विच मुफ्त बिजली अते सस्ती बिजली नूं झटका लग सकता है। दरअसल सेंट्रल इलैक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन वल्लों बिजली पैदा करन वाली कंपनी नूं एनर्जी एक्सचेंज ते महंगी बिजली वेचण नूं मंजूरी दित्ती है। यही कारण है कि सूबे दे विच मुफ्त बिजली योजना नूं वड्डा झटका लग सकता है। मौजूदा समय दे विच अगले दिन लई बिजली खरीदण ते 12 रुपये प्रति यूनिट बेची जा सकती है जिहड़ी हुण 50 रुपये प्रति यूनिट दे हिसाब नाल बेची जाएगी। पंजाब नूं कोटे दी अते पावर परचेज अग्रीमेंट दी बिजली मिलती है। डिमांड ज़्यादा होण ते एनर्जी एक्सचेंज राही बिजली खरीदी जाती है। इस दे लई जरूरत पैण ते 50 रुपये प्रति यूनिट खरीद के 4.5 रुपये प्रति यूनिट बेच सकना पावकों लई औखा है। अजिहे विच महंगी बिजली का बोझ आम उपभोक्तावां ते पवेगा जां फिर लंबे बिजली कट लई तैयार रहना पवेगा। जानकारां दी मन्निए तां पावरकॉम 1 अप्रैल 2021 तों 31 मार्च 2022 तक मतलब 1 साल दे विच 2794 करोड़ रुपये की बिजली औसत 4.32 पैसे खर्च करके 6471 मिलियन यूनिट बिजली खरीदी, जबकि इस साल असी पैसे ज़्यादा खर्च किए पर बिजली कट लई 1 अप्रैल 2022 तो 21 फरवरी 2023 तक 2993 करोड़ रुपये में औसत 5.73 पैसे प्रति यूनिट नाल 5424 मिलियन यूनिट बिजली खरीदी है। मारा ने कहा है कि CERC का एक समय 4 गुना बिजली महंगी करन मंजूरी देना लोगों के हित दे विच नहीं है, सगो प्राइवेट कंपनियां नूं सीधे तौर पर लाभ पहुँचाना है। हर साल गर्मी के औसत दे विच 10 तों 15% बिजली की मांग दे विच वाधा दर्ज किया जाता है। पिछले साल बिजली की वध तो वध मांग 14,500 मेगावाट सी क्योंकि इस साल गर्मी ने जल्दी दस्तक दे दिती है अते मीह भी घट पिया है। इस दे लई गर्मी दे सीजन दे विच मंग 15,000 मेगावाट नूं पार करेगी। विभाग लई इह मंग नूं पूरा कर सकना किसी चुनौती तों घट नहीं होवेगा। संभावी है कि विभागां नूं बाहरों महंगी बिजली खरीदनी पवेगी जिसका असर लोगों ते पवेगा। अमृतपाल तों सिख लीडरशिप भी नाराज़, अजनाला घटनाक्रम ते जताई नाराजगी, कहा श्री गुरु ग्रंथ साहिब की ढाल लैना गलत। बीते दिनी अमृतसर दे जनाला दे विच जो कुछ भी होया उस ते सूबे दी सियासत गरमा गई है। इत्थों तक कि सिख लीडरशिप ने भी इस घटनाक्रम दी निंदा कीती है। सिख लीडरशिप दा कहना है कि उन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी शरण लई है जो कि गलत है अते अमृतपाल सिंह ग्रुप दे दावें दा खंडन करदा है कि वह गुरु ग्रंथ साहिब दे हरनुमाई विच गए सन। दूजे पासे वारस पंजाब दे आगू अमृतपाल सिंह दे विरोधी धड़े दा कहना है कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे सरूप नूं अजनाला थाने ले जाना गलत सी अते असी पुलिस वल्लों वाटर कैन अते लाठीचार्ज ना करन लई संघाला कीती। हालांकि अमृतपाल सिंह दी भी कोशिश तो इंज लगता है कि वह गुरु ग्रंथ साहिब नूं इस विवाद विच शामिल करना चाहते सी। विरोधी धड़े दा कहना है कि अमृतपाल सिंह दे विरोधी दी गिरफ्तारी एक निजी लड़ाई सी अते गुरु ग्रंथ साहिब नूं लैके जाना सरासर गलत अते इह सिखी दे बिल्कुल खिलाफ़ है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब नूं निजी लड़ाई दे लई नहीं वरत्या जाना चाहिए।
सिर्फ धार्मिक लड़ाइयों लिए असी ये लै सकते हैं। उन्होंने कहना है कि खालिस्तान लहर गलत हाथों के जा रही है और असी आपस के लड़न दे ही लगे हुए हाँ। स्मार्ट राशन कार्ड धारकों नहीं मिले राशन, खूब होया हंगामा। बीते कुछ समय पहला सूबा सरकार वालों स्मार्ट राशन कार्ड धारकों मुहैया करवाए जाने वाले राशन से सख्ती की गई है, तो उत्थे ही हुण लोगों समस्यावां का सामना भी करना पै रहा है। बीते दिन रूपनगर के इस लैके हंगामा हो गया, जिथे लंबिया कतारा च लगे लोग एक दूजे नाल बहस दे नज़र आए। सरकार वालों स्मार्ट राशन कार्ड धारकों दिती जाने वाली मुफ्त कणक लैके शहर के हंगामा हो गया, जिस दे दो कारण सन। एक तो सरकार वालों फैसला किया गया कि स्मार्ट राशन कार्ड धारक किसी भी डिपू तो कणक लै सकते हैं, तो दूजा कारण यह है कि इस बार कणक का कोटा 17% घटा दिता गया है और लोग इस मुद्दे से डिपू होल्डर नाल लड़ते भी नज़र आए। स्मार्ट कार्ड धारकों का विचार से कि सरकार नूं कार्ड धारक जिस खेत्र के नाल संबंधित है उसके डिपू तो ही सरकारी समान प्राप्त करना चाहिए है। डिपू होल्डर ने भी कहा कि उन्होंने इलाके 250 स्मार्ट राशन कार्ड धारक हैं, जेकर उन्होंने राशन नहीं मिलता तो वह आ के साथ झगड़ा करते हैं, क्योंकि दूजे वार्डों के लोग राशन लेके जाते हैं। साड़ी मंग है कि जिस डिपू का कार्ड होल्डर कोल है उन्होंने उतों ही राशन मिलना चाहिए है। हाँ जी दोस्तों, ये सी अज 26 फरवरी दी पंजाबी ते पंजाब दी खबरां। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो नू लाइक ते चैनल नू सब्सक्राइब करना ना भुलना। मिलते हैं नवी जानकारी नवी वीडियो विच। धन्यवाद।